बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं और जिस तरीका से देखे होइएगा 53वीं से लेकर 56वीं तक 59वीं तक यानी कि 2010 से लेकर अभी तक जितने भी बीपीएससी के अधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं उनकी सूची मांगी गई है ईओयू के द्वारा और जांच में पता चल रहा है कि बहुत सारे अधिकारी फर्जी तरीका से बने हुए हैं पैसा देकर। मैंने क्या क्या है, जांच लगातार चल रहा है। विद्यार्थी ये सोच रहे हैं चूंकि इस सरकार की अंतिम भर्ती है बीपीएससी 17th यानी बीपीएससी 70 अंतिम भर्ती है, इसके बाद फिर नया सरकार का गठन होगा, वो जिसका सरकार बने वो उसके बाद से भर्ती कराई जाएगी, तो इस पर लेकर की क्या साफ सुथरा हो सकता है क्योंकि सबसे अधिक वैकेंसी इस बार बीपीएससी 17th में आपको देखने को मिलेगा, सरकार का अंतिम वैकेंसी है। रामान सर से चर्चा करेंगे क्या इस वैकेंसी को अच्छा से बीपीएससी करा पाएगी या नहीं कराएगी, इतना धांधली कैसे बीपीएससी में संभव हो पाए। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी सोच रहे हैं इस सरकार का, चूंकि 25 में चुनाव है तो बीपीएससी 17th अंतिम बहाली होगी, उसके बाद जिसका सरकार बनेगा वह संख्या बहुत सुनने में आ रहा है कि 1500 हो सकता है, कई सारे पद उसमें जुड़े हुए हैं, कई एजुकेशनल पद जुड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है सर? देखिए एक बात तो बहुत शर्म आ रहा है मुंह कहते हुए कि लगातार 10 साल से क्वेश्चन आउट हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से आयोग के लोग मिले हुए हैं। इसमें मैं दावे के साथ अब कह सकता हूं, अब चाहे जो कोई करना हो कर लीजिए, जो कर सकते हैं कर ले, आयोग के लोग मिले हुए हैं, सिपाही हो, फायरमैन हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सारा का सारा क्वेश्चन आउट हो जाना और 10 साल से लगातार और सरकार के द्वारा या सरकार के एजेंसियों के द्वारा छोटी मोटी मछली को पकड़ के ये चिल्लाना कि मुख्य सूत्रधार पकड़ा गया बाढ़ पकड़ा गया मुख्य सूत्रधार। अगर मुख्य सूत्रधार पकड़ा रहा होता तो सूर्य 10 साल से लगातार ये चल रहा है। इस तरह की परिस्थिति में मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि पूर्णतः सरकार और सरकार की मिशनरी परीक्षा स्वच्छता पूर्वक कराने में फेलियर है और अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे और जो छाल बजाए या जो करे, लेकिन सरकार अगर सरकार में हिम्मत है, चैलेंज भी कर रहा हूं, सरकार में हिम्मत है तो जितने भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं, जो लगातार 10 साल से जो हुआ है उसमें सबका जांच हो, जितने लोग पास किए उनका जांच हो और जांच करने के बाद इसमें कठोर स्टेप उठाए, वरना मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा मिशनरी की फेल है। मिशनरी की फेल का मतलब सरकारी तंत्र का फेल होना है। दो बड़ी वैकेंसी बीपीएससी को कराना है, एक तो टीचर भर्ती TRE3 रद्द करके फिर से कराया जा रहा है, यानी बीपीएससी 17 भी उसके पास है, बहुत सारे इधर लगातार वैकेंसी देना है, TRE4 भी लेना है, क्या उम्मीद किया जाए कि आने वाला जो भर्तियां है वो साफ सुथरा करा पाएगी? हर साल से तो उम्मीद है हम लोग करें कि साफ सुथरा कराने का, हर साल से कर 10 साल से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार खुद सक्रिय होके, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री सामने आए और बोले कि हम ये सब किए और डकैत को जब तक पकड़ नहीं लेते हैं तब तक मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें किसी तरह का परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जब 10 साल से लगातार हुआ और सरकार ताकते रह गई, चोर का बल्ले बल्ले होता रहा, चोर पास कर गए, बेचारे टैलेंटेड स्टूडेंट कर्जा ले लेके रात रात भर दिन दिन भर पढ़ के बेचारे फेल करते रह गए और वैसी परिस्थिति में कटअप का दरोगा में 79 कटअप चला गया, वैसी परिस्थिति में अगर हम कह दें कि 17वीं एकदम फेयर होगा या 4.2 और 3.0 जो है वो फेयर होगा तो उस समय तक संभव नहीं है जब तक माननीय मुख्यमंत्री खुद सामने आकर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं और कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की इतनी महानता है कि वो छोटे मछली पकड़ने में माहिर है, बड़ा मछली पकड़ने में उसकी जाल फट जाती है, मैं ये कहूंगा। सर आर्थिक अपराध इकाई ही बता रही है कि 10 सालों से ये प्रक्रिया चलते आ रहा है, वह क्या करे सर, वो तो सब कुछ बताया जा रहा है कि इतना सालों से जांच चल रहा है वो लोग कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं या आप पहले सुशील थे, जो भी आर्थिक अपराध इकाई तो अपना काम कर रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई एक स्वतंत्र निकाय नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई को जब तक प्रधानमंत्री जब तक मुख्यमंत्री कहते नहीं है कि बड़ा बरारी को पकड़ो, तब तक आर्थिक अपराध इकाई क्या करेगी? सीना छपवाएगी सरकार की कि मैंने ये पकड़ लिया, ड्राइवर निकला मुख्य सुधार, चपरासी निकला मुख्य सुधार, मास्टर निकला मुख्य सुधार, ये बात मैं नहीं मानूंगा। आर्थिक अपराध इकाई बोना साबित हो रही है क्योंकि सरकार का आदेश उसको नहीं है कि वो बरारी पकड़े। 60% यूथ है, जिस तरीका से लगातार पेपर में ईओयू खुलासा कर रही है,
अभ्यर्थी हो तो साहित है। 60% युवा होने के बावजूद सरकार को यह नहीं लग रहा है कि 10 सालों से यह जो खेल चल रहा है, अभी कोई भी मंत्री या विधायक हो या नेता हो या बड़े बड़े कोई इस पर खुल के नहीं बोल रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए या सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या मांग? देखिए, मैं 60% युवा है ना, मैं 60% युवा को अपने मां की मरी हुई मां के गर्भ की कसम खा के बोल रहा हूं, 60% युवा में केवल 2,00,000 युवा हमारे साथ आ जाए गांधी मैदान में, आमरण अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे हम। अगर पीछे हट गए तो जो मुंह पर थूक दीजिएगा, पीछे हट गए तो जो कहिए सो, लेकिन 2,00,000 युवा आ जाए निश्चित रूप से उस दिन चूल से चूल हिला देंगे और सरकार को जागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि सीबीआई से जांच बाद में हो, पर ये 2,00,000 लड़के पटना की ओर कूच करें, गांधी मैदान में हम लोग तिरंगा और मुंह पर काला पट्टी बांध के आमरण अनशन करेंगे तब तक की सरकार जागती नहीं है, नहीं तो हम अब किसी को विश्वास नहीं रह गया, बच्चों पर भी, बच्चों को भी विश्वास नहीं रह गया। अब इस तरीका से होता रहे तो क्या करिएगा? गुरु रहमान का क्या योगदान हो? लड़के साथ दे तो हम मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। लड़के साथ दे, मैं आमरण अनशन के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, सामूहिक अपना के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह की बात हो रही है तो सिस्टम चौपट हो रही है, बिहार का ऋण बर्बाद हो रहा है, हम लोग पूरे भारत में एकदम छींची जी वाली नौबत आ गई है और सरकार हर तरह की जिसकी सरकार हो वो सब बात बोल रही है, लेकिन चोर डकैत को पकड़ने की कोई बात नहीं बोल रही है जो गलत कर रही है। केवल सभी लोग आदेश देते हैं पढ़ाई करो, 10 घंटा पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, फरना पढ़ लो, चिल्ला पढ़ लो, लेकिन इस तरीका से होता रहेगा तो बोला जाता है चांद पर भी एग्जाम होगा तो बिहारी उतने टैलेंटेड है ले लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आउट होगा उस पर क्या? बिहारी टैलेंटेड है, लेकिन बिहार के टैलेंट को बिहार वासियों ने ही बर्बाद कर दिया है। सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, मंदिर मस्जिद बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST मियां डियां बहुत दिन तक नहीं चलता है, जब पेट पर भूख लगेगी तो बच्चे भूल जाएंगे कि क्या हुआ है, नीट कैंसिल करे सरकार, किसी भी हालत में नीट कैंसिल होना चाहिए, किसी भी हालत में नीट कैंसिल होना चाहिए। अगर नीट कैंसिल नहीं होता है तो यही माना जाएगा इसमें चोर के साथ साथ सरकार भी मिली हुई है। वही डॉक्टर शिव बाहर आता है और नीट का एग्जाम का फिर पेपर आउट करा, बिल्कुल चोर है। इस सजा माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिल पास किया, वो बिल पास किया उसको कड़ाई से लागू हो, कड़ाई से लागू हो और पूरी तरह से चित्र कड़ाई से अगर लागू होगा तभी कुछ हो सकता है, वरना सरकार पूरी तरह से मौन है। किसी सरकार को देखे हैं कि चोरी रोक देंगे, डकैती रोक देंगे, दलाली रोक देंगे, कोई सरकार नहीं बोल रही है, सब लोग 2 करोड़ बहाली देंगे, 4 करोड़ बहाली देंगे, 30 लाख दे देंगे, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यह गलत है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मैं बच्चों के साथ हूँ, अहिंसात्मक आंदोलन करके बच्चों के साथ मर जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ना किसी के चमचे करूंगा। आप क्या उम्मीद रखते हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं या BPSC TRE3 देने वाले हैं या BPSC 17th वाले आप हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो बिहार पुलिस का भी डेट दे दिया गया है, लेकिन क्या उम्मीद किया जाए इस बार भी बिहार पुलिस साफ सुथरा एग्जाम हो पाएगा? कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें कैसा व्यवस्था किया जा रहा है? प्रश्न पत्र हमेशा से वायरल हो जा रहा है, सबसे ज्यादा अभी समस्या चल रहा है बीपीएससी को लेकर, जो 10 सालों का खुलासा हुआ है उस पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। रहमान सर जो